14 जनवरी को स्माइल हिमाचल संस्था द्वारा छोटी काशी महोत्सव में डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इसके बारे में संस्था के संस्थापक निखिल वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप में कपड़ों, खिलौनों, किताबों व जूतों का संग्रह जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाएगा। निखिल ने क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हुए कहा कि जिन विद्यार्थियों के पास इस प्रकार की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, वह इस डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि इन वस्तुओं को संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि लोग उसी प्रकार की वस्तुओं का दान करें जो कि दूसरे व्यक्ति के पहनने और उपयोग करने योग्य हों। नमस्कार, मैं निखिल वालिया, स्माइल हिमाचल संस्था संस्थापक। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि साल के पहले महीने में हम एक कार्यक्रम करेंगे 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन, जो छोटी काशी महोत्सव का आयोजन मंडी में प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उसी आयोजन में जो है स्माइल हिमाचल संस्था द्वारा एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, डोनेशन कैंप का, जिसमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए कपड़े, खिलौने, किताबें, जूते आदि चीज़ों का जो है वो कलेक्शन किया जाएगा। तो मेरा आज यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि मैं तमाम मंडी की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन भी व्यक्तियों के पास कुछ भी ऐसी चीज़ें पड़ी है, चाहे वो पुराना कपड़ा हो, खिलौना हो या किताबें हो, कृपया करके वो 14 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये हमारा कैंप होगा मंडी के सिरी मंच में, तो आप वहाँ आएँ और दान करें ताकि हम उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये सभी चीज़ें पहुँचा सकें और उनकी सहायता कर सकें। दूसरा मेरा निवेदन एक ये रहेगा कि सभी से निवेदन है कि ध्यान रखें कि जो कपड़े आप दें वो कपड़े जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, बेशक वो पुराने हो पर वो साफ़ सुथरे हो, किसी दूसरे व्यक्ति के पहनने योग्य हो, वो फटे पुराने कपड़े ना दें, साथ में फटे पुराने जूते ना दें, जो भी चीज़ दें वो बिल्कुल सही दें ताकि दूसरा व्यक्ति जो है उसे इस्तेमाल कर सकें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए मंडी से हिमांशु अग्रवाल की रिपोर्ट।